भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा हुआ है और दुख से मुक्त होने का मार्ग भी। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों के जीवन में एक नई दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 15 आध्यात्मिक विचार। पहला, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। तीसरा, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण।